इससे पहले दो टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं पीएचडी फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। आज एक अहम टॉपिक हम कंप्लीट करने जा रहे हैं पीएचडी में, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, ठीक है, यानी इस्लाम में जमहूरियत के उसूल, इस्लाम के अंदर जमहूरियत के उसूल। अच्छा, मैं आपको डेमोक्रेसी पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। परसों हमारा ये टॉपिक जो है ना थोड़ा सा डिस्कस हुआ, लेकिन टाइम ना होने की वजह से पूरा पूरा डिस्कस नहीं हुआ, तो मैं आज इसको कोशिश करूँगा कि हमारे पास प्रिंसिपल और डेमोक्रेसी इन इस्लाम इसके कुछ मेन हेडिंग्स, तारगम चार हेडिंग्स हैं, चार के चार हेडिंग को मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लफ्ज है डेमोक्रेसी, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डेमोक्रेसी का आपको मतलब पता है कि ये निज़ाम हुकूमत है, और उस निज़ाम हुकूमत को कहा जाता है जमहूरियत, ठीक है। अब जमहूरियत कैसे निज़ाम हुकूमत है, किस टाइप के है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपके पास हुकूमती निज़ाम होते हैं। इसमें एक बादशाह भी है, बादशाही निज़ाम, ठीक है। अच्छा, बादशाही निज़ाम के अंदर आपको पता है, पहले मैं जमहूरियत समझाऊँ आपको, जमहूरियत में क्या होता है कि अवाम अपने लीडर का इंतखाब करते हैं, ठीक है। अपने लीडर का इंतखाब कौन करेगा जमहूरियत में, अवाम। अब ये अवाम के अंदर, अवाम में ओवरऑल देखा जाए ना जमहूरियत, तो अवाम के अंदर ही जो भी हो, जिस टाइप के बंदे हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, चाहे जो है ना डॉक्टर हो, चाहे अनपढ़ हो, ठीक है, इंजीनियर हो, आलिम हो, ठीक है, स्टूडेंट हो, सारे के सारे जो है ना, ये नहीं देखा जाता कि इसमें किस के अंदर जो है ना लीडर को चुनने की खातिर, सारे मिलकर किसी एक बंदे को वोट दे देते हैं और अपने लीडर का इंतखाब करते हैं, ठीक है। हालांकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इस्लामी जमहूरियत नहीं है, ठीक है। और बादशाही निज़ाम के अंदर ऐसा नहीं होता, अवाम की कोई मर्जी नहीं चलती, ठीक है, अवाम की कोई मर्जी नहीं चलती बादशाही निज़ाम में। जैसे कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर बादशाही निज़ाम है, ठीक है, उसमें जो बादशाह होता है उसी का बेटा जो है ना उसी की जगह पे आते, और यही सिलसिला चलता रहता है। तो अवाम में, अवाम की इसमें कोई मर्जी नहीं होती, अवाम अपने लीडर का इसमें इंतखाब नहीं करता। तो डेमोक्रेसी भी आपके पास जो है ना एक तरह से निज़ाम हुकूमत है, जिसे जमहूरियत कहा जाता है। अब इस्लाम के अंदर डेमोक्रेसी किस हिसाब से होना चाहिए, क्या क्या कानून है, ये हम जरा देखते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम इज डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रिवेलिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस्लाम में जो जमहूरियत का तस्वुर है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस्लाम में जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट है, तस्वुर है, वो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रिवेलिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, वो जो वन प्रिवेलिंग का मतलब है, प्रिवेलिंग का मतलब गालिब आ जाना, ऐसी जमहूरियत जो पूरी दुनिया के अंदर गालिब आई हुई, वो वाली जमहूरियत से इस्लाम की जो जमहूरियत है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, ठीक है कि नहीं। इस्लाम में जो जमहूरियत है और बाकी दुनिया के अंदर जो जमहूरियत है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। द इस्लामिक सोसाइटी, ये पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया, पहला पॉइंट समझ में आया, इस्लामी जमहूरियत का जो तस्वुर है वो बाकी दुनिया से अलहदा है, मुख्तलिफ है, अलग है। द इस्लामिक सोसाइटी फ्रेंडली बिलीव्स दैट सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग टू द अल्लाह अलमाइटी। अच्छा, इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जिस चीज़ पे बिलीव किया जाता है वो यही कि किसी भी, या यूं बोले कि पूरी जो कायनात है, एंटायर यूनिवर्स है, उस पे जिसकी हुकूमत होनी चाहिए वो है अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला की हुकूमत होनी चाहिए पूरी कायनात में। अगर जुमले को बेहतर करूँ तो इस्लामी माशरे इस चीज़ पर ईमान रखता है कि इस पूरी कायनात पर जो इख्तदार आला है वो अल्लाह ताला का, यानी जो पूरा पूरा पावर है वो अल्लाह ताला के हाथ में, ठीक है। तो मतलब बंदा अपनी मर्जी से कोई भी पावर यूज नहीं कर सकते, पावर तो अल्लाह के है। तो आगे जुमले में कहा है, द पावर इज टू बी एक्सरसाइज
by the representatives of the people within the limits prescribed by Islam. कहते हैं पावर तो अल्लाह का है लेकिन लोग जो नुमाइंदे चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं लोगों के वो इस पावर को यूज करेंगे लेकिन लिमिट में यूज करेंगे, ठीक है कि नहीं। अवाम के जो नुमाइंदे हैं अवाम के नुमाइंदे सिर्फ उन हुदूद के अंदर ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस्लाम ने आयत कर दी, इस्लाम ने बताया है आप इस हद में रह के ये जो पावर है जो आपको दिया गया है वो यूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करते लोग, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज एज वेल एज द लेजिस्लेटिव असेंबलीज डस नॉट एंजॉय अनलिमिटेड पावर्स। हुकूमत और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कानून साज असेंबली है वो अनलिमिटेड पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, सारे कुदरतों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इस्लाम ने जितना हद मुकर्रर की उसी हद के अंदर रह के, मैंने आपको परसों बताया था कि प्रिंसिपल्स का मतलब उसूल, फिर मैंने मजीद समझाया उसूल से मुराद बातें, फिर मैंने मजीद बताया वो बातें जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसी बातें हर बात उसूल नहीं हो सकती, वो बात जिस बात की जो बाउंड्री है वो हम क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह इस्लाम अवाम जो नुमाइंदा अपने चुनते हैं पाकिस्तान में या इस्लाम के अंदर, तो वो जो नुमाइंदा है वो अनलिमिटेड पावर को यूज़ नहीं कर सकते, उसकी हद है इस्लाम ने उसकी हद ऊपर रखी है। देखो मैं थोड़ा आपको ये लेजिस्लेटिव असम्बली और गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा बताता हूँ, इस चीज़ को देखें। अगर आप ओवरऑल सियासत को समझना चाहें ना, पहली बात तो ये है कि हमारे पास इस्लाम के अंदर, और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूँ, इस्लाम में जो है ना, इस्लाम में अपना नुमाइंदा वो शख्स चुन सकता है, यहाँ तो हर अरे गहरे जो है ना अपने नुमाइंदे को चुनते हैं वोटिंग के जरिए, लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसा शख्स जो बाचरदार हो, ठीक है, ऐसा शख्स जो बाशऊर हो, ऐसा शख्स जो बामल हो, ठीक है, ऐसा शख्स जो है ना आलिम व फाजिल हो, मतलब आलिम से मुराद ये कि साहिब इल्म हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अमामा पहन के आलिम बन जाए, साहिब इल्म को आप आलिम कह सकते हैं, ठीक है, साहिब इल्म हो, शऊर रखता हो, तो ऐसे बंदे जो है ना अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है अपना जो नुमाइंदा है, ठीक है, अपना जो लीडर है उसका इंतखाब कर सकते हैं, तब जाके माशरे के अंदर वो बेहतरी लेके आ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। हमने आपको बोला था गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। आप देखिए जो आपके पास हमारे जो इसके अंदर डेमोक्रेसी में है हमारे पाकिस्तान के, ठीक है, तीन पिलर्स है, तीन बुनियादी चीज़ें हैं जो पूरे पाकिस्तान के जो निज़ाम है उसको देख रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि तीन में एक आपके पास है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान का जो पूरा निज़ाम है वो कौन चला रहे हैं, एक होता है गवर्नमेंट, ठीक है, जिसे एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, दूसरा हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा हमारे पास क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है जुडिशरी, जुडिशरी। अब गवर्नमेंट में आपको पता है गवर्नमेंट में हमारे जो उसके हिसाब से ना हमारी जो जमहूरियत है उसमें गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म आता है, ठीक है, और उसके कुछ मेंबर्स उनके साथ, ये गवर्नमेंट, ठीक है, लेजिस्लेटिव असम्बली दरअसल होता है कानून साज असम्बली, कानून बनाने वाले, ठीक है, कानून साज असम्बली जो कानून बनाते हैं, ऐसा इदारा जो कानून बनाते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है कानून साज असम्बली। कानून कैसे बनाते हैं, फर्ज कर ले कानून है कि कोई भी बंदा सिग्नल नहीं तोड़ेगा, तो कानून बनाया, अगर कोई बंदा सिग्नल तोड़ेगा तो उस पर 500 रुपीज़ फाइन होंगे, चार्जेस होंगे, मतलब वो जुर्माना पे करेंगे, ठीक है। अब ये कानून बनाना किसका काम है, लेजिस्लेटिव असम्बली का काम है,
ठीक है, आप इस कानून को इम्प्लीमेंट करना, भाई ऐसा नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम, ठीक है। गवर्नमेंट हर जगह जहाँ जहाँ ये सिग्नल है वहाँ वहाँ के जो काम करने वाले लोग थे उनको बोलेंगे भाई अगर ऐसा करेंगे तो आप उनसे 500 रुपये चार्जेस करेंगे, ठीक है। आप अगर ये अपने काम में कोताही करते हैं तो जुडिशरी जजेस वगैरह जो जज वगैरह होते हैं ना उसमें आते हैं, जुडिशरी के अंदर आते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ठीक है, तो उनके सामने ये गवर्नमेंट जवाबदेह होंगे। इम्प्लीमेंटेशन वगैरह गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट जवाबदेह है, भाई सिग्नल तोड़ा 500 रुपीज़ पे भी नहीं किए स्पीकर की नहीं और उसको छोड़ दिया, तो आप ये जुडिशरी इनको पकड़ेंगे गवर्नमेंट को, भाई आपने ऐसा क्यों करने दिया, ठीक है, आप गवर्नमेंट इसके जवाबदेह हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको बताऊंगा ताकि आप सियासत से थोड़ा आशना हो कि लेजिस्लेटिव असम्बली में आपके पास जो इसके जो कानून बनाने वाले लोग हैं उसको MLA कहा जाता है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली। आपने MNA सुना होगा ना, MNA, ठीक है, क्योंकि आप लेजिस्लेटिव असम्बली के अंदर दो जो है ना आपके पास मजीद इदारे आते हैं, एक को सेनेट कहा जाता है, एक को नेशनल असम्बली कहते हैं, ठीक है, नेशनल असम्बली। तो नेशनल असम्बली और सेनेट से ही आपके कानून बन के आगे जाते हैं। तो MLA का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और MNA का मतलब है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, यही लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं। अब अगर ऐसा हो और ऐसा सख्ती से अगर जमहूरियत में ऐसी चीजें शामिल हैं तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, जी जी बेटा मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया, आप देख सकते हैं मैंने वो सेंड कर दिया ना टेलर को। अच्छा, अब ये जो MLA और MNA है ना, अब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, MLA का वाला मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यही लोग होते हैं जो कानून बना के आगे पेश करते हैं गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट इसके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है, और चेक एंड बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। अगर इसमें कोताही आ जाए तो जुडिशरीज देखते हैं, जुडिशरी में क्या क्या आता है आपके पास, सबसे एक पूरे जो मुल्क का जो जुडिशरी में पहला जो पूरे मुल्क को देख रहे होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट आता है आपके पास, ठीक है, और सूबा वाइज अगर आप देखें सूबों में जो आपके पास सुप्रीम वो होता है कोर्ट मोटिव होता है उसको कहा जाता है क्या, हाई कोर्ट, और आपके पास जो सिटी वाइज जो ना, अच्छा अब जो सिटी के अंदर मोटिव होता है उससे कहा जाता है सेशन कोर्ट। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें इसको देख रहे होते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पॉलिसीज को कि कैसे ये काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर ऐसा है तो मुल्क पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए। अब मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर हम हालात उस पर नज़र दौड़ाएं ना तो पता है किस तरह जो है ना पाकिस्तान में निज़ाम सिस्टम जो है वो सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट ही है जो लेजिस्लेटिव मेंबर को जो है ना वो चुनाव गवर्नमेंट ही करते हैं, गवर्नमेंट के ही बंदे होते हैं जुडिशरीज में, ठीक है, जजेस जितने भी जजेस साहिबान हैं वो सारे गवर्नमेंट के अपने हैं, तो गवर्नमेंट की जो मर्जी है वही करने जो है ना, अब गवर्नमेंट के अंदर जितने भी आपके आर्मी हैं जितने भी आपके रेंजर्स वगैरह हैं वो सारे गवर्नमेंट के हाथ में, तो सारे जितने भी मेंबर है वो सारा जो है ना इसी गवर्नमेंट के हाथ में है, तो मुल्क जो निज़ाम है वो धर्म भरा मुझे रह जाते हैं। खैर बहरहाल मैंने आपको जैसे सियासत से रिलेटेड आता कि नोहा हो जाए आपको चीज़ें समझ में आ जाए ये बेसिक बातें बता दी। तो यही बात कही है यहाँ पे द गवर्नमेंट एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली, सब लेजिस्लेटिव असेंबली से मतलब कानून असेंबली जो कानून बनाते हैं जिसमें सेनेट और आपके पास कौमी असेंबली नेशनल असेंबली आते हैं, दस नॉट इंजॉय द अनलिमिटेड पावर्स, अपनी मर्जी से ये लोग कुछ भी कानून बना के देते हैं ऐसा इस्लाम के अंदर नहीं है। However, the people are at liberty to elect the God-fearing persons to run the affairs of the state. लेकिन ताहम जो लोग होते हैं उसको आज़ादी है, अवाम को आज़ादी हासिल है कि वो एक ऐसे बंदे का चुनाव करे जो अल्लाह ताला जो खौफ खुदा रखते हों, ठीक है, और खौफ खुदा रखने वाला शख्स ही क्या कर सकते हैं जो स्टेट है जो मुल्क है उनके मामला को अफेयर से मरा मामला उनको चला सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आवाम के जो नुमाइंदे हैं, ठीक है, वो इन हुदूद के अंदर रह के ही इसका जो है ना ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो इस्लाम ने आयत कर दी है उसी के अंदर रहते हैं।
बाकी जो हुकूमत और जो कानून साज असम्बली है उसको लामहदूद अख्तियार हासिल नहीं होते, लेकिन आवाम जो है ना उसकी आवाम की पूरी आज़ादी होती है कि वो क्या करे, कि वो रियासत के मामलों को चलाने के लिए एक ऐसे बंदे का चुनाव करे जो अल्लाह से डरने वाले हों, जो सालिह हो, मुत्तकी व परहेज़गार हो। बात क्लियर है तो आगे बढ़ो। द राइटियस कैलिफ्स ऑफ इस्लाम ऑलवेज सॉट राइटफुल ओपिनियन। आपके पास जो राइटियस कैलिफ से मुराद एक जो खुल्फाए राशिदीन, ठीक है, खुल्फाए राशिदीन ऑलवेज सॉट, हमेशा इस तलाश में होते थे फादर राइटफुल ओपिनियन की कोई अच्छा जो है ना मशवरा लेके जो दुरुस्त आरा रखने वाले लोग थे उनकी तलाश में रहते थे, दुरुस्त मशवरा करते थे लोगों से जब भी कोई ऐसे जो है ना प्रॉब्लम वगैरह पेश आती, मुल्क को चलाने के हवाले से कोई मसले मसाइल दरपेश होते तो बाकायदा उन लोगों से जो अच्छे राय देने वाले होते थे उनसे मशवरा करके चीज़ों को तय किया करते थे। द एडवाइजर्स कंस्टिट्यूटेड अशूरा, ठीक है, द पैनल ऑफ एडवाइजर्स, यानी जो एडवाइजर्स होते हैं, एडवाइजर्स से मुराद जो नसीहत वगैरह या मशवरा वगैरह आपको देंगे जिसे हम मुशीर कहते हैं, मशवरा देने वाला, ठीक है, और उनकी मशवरा देने वालों की जो अच्छे मशवरे देते दे, उनकी बाकायदा एक के तंजीम बनाते थे ये लोग, उस तंजीम को कहते थे शूरा, ठीक है, एक ऐसा तंजीम जिसमें सारे अच्छे मशवरे देने वाले लोग होते थे उसे कहा जाता है शूरा। सो अब ये तश्कील दिया देते थे एडवाइजर्स की ना, उसे पैनल, पैनल का मतलब है तंजीम, आपके पास जमात, ठीक है। सो लॉन्ग एज दोस इन पावर्स कंफर्म टू द लॉस ऑफ इस्लाम, तो जितना जो हुकूमती अशखाच है जिनके ऊपर ताकत है, जिनको जिन जो ताकत रखते हैं मुल्क को चलाने के लिए, वो सिर्फ इस्लाम के कानून के मुताबिक ही पावर को यूज करेंगे, या दूसरे अल्फाज में अल्फाज को बेहतर करके आपको बताऊं, इस्लाम में किसी भी शख्स को जो जो है ना आपके पास सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, ठीक है, कोई भी जो है ना दानिश्वर नहीं होते, ठीक है, कोई भी अकल कुल हम उसको नहीं समझते जिसके पास मुकम्मल अकल हो, ठीक है, तो वो लोग मशवरे के जरिए ही मुल्क को चलाएंगे या इस्लाम के तहत ही मुल्क को चलाएंगे। दे मे कंटिन्यू टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। अब कहा जाता है कि जिन लोगों को इख्तदार मिलता है उस वक्त आवाम का एतमाद हासिल कर सकते हैं जब तक वो इस्लाम के कवानीन की पैरवी करते हैं। कंफर्म का मतलब है के मुताबिक, के मुताबिक, ठीक है, वो उस वक्त तक ही जो है ना कंटिन्यू रख सकते हैं अपने जो है ना उसको ताकत को या अपनी हुकूमत को जब तक वो आवाम का जो एतमाद है उसमें मौजूद है, ठीक है, यानी जिन लोगों को हुकूमत मिलती है, ताकत मिलती है, इख्तदार मिलता है, वो उस वक्त तक आवाम के इत्मीनान हासिल कर सकते हैं जब तक वो इस्लाम के कानून की पैरवी करते हैं। दिस एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, यही वजाहत करता है इस्लाम के अंदर जमहूरियत को, द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। अब मैंने आपको बोला था कि चार कानून हैं तकरीबन, उन सबको हम डिस्कस करेंगे, लिहाजा सबसे पहला है हमारे पास वो है जस्टिस। अच्छा, इस पूरे पैराग्राफ को मैं एक दफ़ा उर्दू में बता रहा हूँ ताकि उर्दू वाले भी इसको सही से समझें, तो पूरा पैराग्राफ है ना इस पूरे को मैं उर्दू में बता रहा हूँ, उसको गौर से सुनिएगा, ठीक है। इस्लाम में जम्हूरियत के उसूल, इस्लाम में जम्हूरियत का तस्वुर बाकी दुनिया से अलग है। इस्लामी माशरा इस पर मुकम्मल ईमान रखता है कि इस पूरी कायनात पर जो इख्तदार आला है वो अल्लाह ताला की ज़ात है और सिर्फ अल्लाह ताला ही इस पूरी कायनात का हाकिम आला है, ठीक है। अवाम के जो नुमाइंदे हैं सिर्फ उन हदूद के अंदर ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस्लाम ने आयद कर दी, उस हद के अंदर एक ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस्लाम ने आयद की। हुकूमत और जो कानून साज असम्बली है उसको लामहदूद अख्तियार हासिल नहीं होते,
تاہم عوام کو اس عمل کی پوری آزادی حاصل ہوتی ہے, اس کام کی پوری آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ریاست کے معاملات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صالح اور متقی اور پرہیزگار افراد کو منتخب کرے. خلفائے راشدین بہترین صالح اور درست آرا رکھنے والے لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے. اس طرح کے مشیروں کو ملا کر شورا تشکیل دی جاتی تھی. اسلام میں کسی بھی شخص کو عقل کل نہیں سمجھا جاتا, صرف اللہ تعالیٰ کا سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, صرف اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی مرضی نافذ و جاری و ساری ہونی چاہیے. جن لوگوں کو اقتدار ملتا ہے اس وقت تک عوام کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں جب تک وہ اسلام کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں. اسی سے اسلام میں جمہوریت کا تصور واضح ہوتا ہے. اسلام میں جمہوریت کے اصول درج ذیل یہ اردو میں آپ لوگ دیکھیں گے اگر آپ نوٹ بنا. انصاف اب اسلام کے اصولوں میں سے پہلا اصول ہے کہ قوم کے اندر انصاف, ملک کے اندر انصاف. لٹرل میننگ آف جسٹس اس کو کیپ دی رائٹ تھنگز ایٹ دی رائٹ پلیس. لٹرل کا مطلب ہے لفظی معنی عدل, عدل و انصاف. جسٹس کی مراد کیا ہے؟ عدل و انصاف. عدل کے لفظی معنی ہے, ٹھیک ہے. لٹرل میننگ آف جسٹس, اردو والے اس کو عدل و انصاف ہیڈنگ دے دیں, باقی جسٹس سے مراد عدل, ٹھیک ہے. انصاف دونوں آپ کو اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس کا جو لفظی میننگ ہے, اگر ہم لفظ پہ دیکھ کے اس کی میننگ کو پتہ کرنا چاہیں, اس کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا, ٹھیک ہے. اور جوتا, جوتے کی اصل جگہ کیا ہے؟ پاؤں میں رکھنا ہے نا. تو جوتے کو آپ سر پہ نہیں رکھ سکتے, اگر آپ اس سر پہ رکھیں گے تو وہ جسٹس نہیں ہے. ایک ایگزامپل اپنی طرف سے میں آپ کو دے دی. تو جس جگہ جہاں ہونی چاہیے وہاں رکھنا عدل کہلاتا ہے, جسٹس کہلاتا ہے. اٹ از دی فاؤنڈیشن آف ڈیوائن لا. جب جو ڈیوائن جب بھی آئے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. یہ قانون الہی کی اصل بنیاد ہے, فاؤنڈیشن بنیاد, یہ قانون الہی کی بنیاد ہے انصاف. نو اسپیکٹ آف لائف کین بی کمپلیٹ وداؤٹ جسٹس. زندگی کا کوئی بھی پہلو انصاف, عدل و انصاف کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. پہلو سے کیا مراد ہے؟ پہلو سے مراد آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, آپ لکھتے ہیں, آپ زندگی گزارتے ہیں, آپ شادی کرتے ہیں, آپ جو کچھ بھی ہو زندگی کے جو بھی معاملات ہو, آپ نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سب میں, ان سب پہلوؤں میں وہ سارے پہلو کمپلیٹ نہیں ہیں اگر آپ انصاف نہیں کرتے. اٹ از دی جسٹس وچ میکس این سوسائٹی پیسفل اینڈ پروسپیریس. یہی انصاف ہے جو ایک معاشرے کو پرامن اور خوشحال بنا سکتے ہیں. آپ انصاف کریں گے آپ کا معاشرہ پرامن رہے گا, آپ کا معاشرہ خوشحال رہے گا, ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ دو عظیم جنگیں لڑی گئی, ٹھیک ہے. پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک, ٹھیک ہے. اسے فرسٹ ورلڈ وار کہا جاتا ہے نا. اچھا جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے یعنی دوسری جنگ عظیم, وہ 1939 سے 1945 تک. یہ دوسری جنگ عظیم میں دراصل جو آپ کے پاس انگلینڈ تھا نا, یعنی کچھ لوگ آپس میں رہتے ہیں, انگلینڈ رشیا اور امریکہ, ٹھیک ہے. انگلینڈ رشیا اور امریکہ یہ تین, اور یہاں سے جاپان, ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی ہے. دو تین سال تک یہ جنگ جاری رہی, ٹھیک ہے. اب انگلینڈ میں اس وقت ایک چیز ہوئی تھا, اس کا جو گروپ چلانے والا ہے وزیر اعظم اور صدر وہاں کے نا, ٹھیک ہے. چرچل اس جنگ عظیم کے دوران ان کی وہ وزیر اعظم یا جو بھی ہے, اس کو سرچ کرے کہ کون تھا سر. وہ اس نے جو ہے نا جب لوگ آئے ان کے جو جتنے بھی جنرل وغیرہ تھے نا, وہ ان کے پاس آئے اور بولے کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں, ہمیں شکست ہو رہی ہے. پھر انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف ہو رہے ہیں, حالت جنگ کے باوجود ان کے ساتھ عدل و انصاف ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سرد کے ساتھ عدل و انصاف ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا, اس نے یقین سے کہا کہ یہ جنگ ہم ہار ہی نہیں سکتے, کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کے ساتھ چل رہے ہیں. اور واقعی میں انہوں نے وہ جنگ جیت لی. تو یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے انصاف. اگر آپ جہاں چاہے اپنے گھر میں, چاہے اپنی سوسائٹی کے اندر, اپنے اسکول کے اندر آپ انصاف کو قائم رکھیں گے نا, آپ کبھی شکست نہیں کھا سکتے. تو وہ معاشرہ ہی پیسفل بن جاتے ہیں, پرامن بن جاتے ہیں, خوشحال بن جاتے ہیں.
The character formation of an individual and the collective public good are possible only under a just system. कहते हैं कि सिर्फ आदलाना निजाम में ही किसी एक फर्द के जो किरदार की तामील तश्किल और इज्तिमाई बेहतरी मुमकिन है। ठीक है, अंडर ए जस्ट सिस्टम, अगर आप उसका मतलब ये अंडर ए जस्ट सिस्टम कि आदलाना निजाम में, ठीक है, आदलाना निजाम के अंदर द करेक्टर फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक अफराद के जो किरदार है, करेक्टर है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, वो बन जाते हैं एंड कलेक्टिव पब्लिक ग्रुप और पूरा जो है इज्तिमाई बेहतरी मुमकिन है। कलेक्टिव पब्लिक ग्रुप इज्तिमाई बेहतरी मुमकिन है, कब मुमकिन है? अंडर ए जस्ट सिस्टम, एक इंसाफ आदलाना निज़ाम के अंदर, एक आदलाना निज़ाम होंगे, इंसान के करेक्टर भी बन जाएंगे और पूरे इज्तिमा की बेहतरी भी इसी में छिपा हुआ। द होली कुरान एम्फसाइज़ेस, कुरान मजीद इसी बात पे जोर देते हैं, साइज की बात जोर दें अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, कि आप जस्टिस को, इंसाफ को कायम करें। द सोसाइटी इन विच जस्टिस इज सुप्रीम विल ऑलवेज हैव यूनिटी, वो माशरा जिसके अंदर इंसाफ होता है उसमें हमेशा यूनिटी, इत्तेहाद होते हैं, प्यार मोहब्बत होते हैं, ठीक है, प्रोफ्लूस होते हैं लोग और अमन व अमान होते हैं। ठीक है, ऐसा माशरा जिसमें आदमी को फोकियत और बदतरी हासिल होती है उसमें हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक, मोहब्बत और उल्फत, खलूस और अमन पाया जाता है। ये हॉली कुरान से सब कुरान मजीद के एक ट्रांसलेशन हम यहाँ पे करेंगे। ओ यू हू बिलीव मेंटेन जस्टिस ऑब्जर्व विटनेस फॉर अल्लाह सेक्स दाउ इट मे बी अगेंस्ट योर ऑन सेल्स be the rich or poor and law and let not hatred of people incite you not to act equitably। आगे पूरा मैं तर्जुमा आपको उर्दू में पढ़ के सुना रहा। ए लोगो, जो ईमान लाए हो आदिल कायम करो अल्लाह की रजा के लिए, शहादत को कबूल करो पाए खुद तुम्हारे खिलाफ है, वाह वो अमीर हो या गरीब, और लोगों से नफरत तुम्हें इंसाफ करने से न रोके। इस्लाम की जो अदालती निज़ाम है, मैंने आपको बोला जुडिशरी तीसरा जो वो था कि वो जुडिशरी था ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, और अल्लाह बला करे सेशन कोर्ट, ये सारे आपके पास जुडिशरी सिस्टम के अंदर आते हैं, जहाँ पे जजेस वगैरह होते हैं और लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हकूक है आप इंडिविजुअल किसी भी शख्स से, आप प्रोटेक्टेड इन जुडिशरी सिस्टम, इस्लाम के जो अदालती निज़ाम है उसमें महफूज किया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं, अगर आपको समझ में आया है तो जो जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम का जो तीन मेन पिलर्स है जो मैंने आपको बता दिए, तीन मेन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वैसे तो चार भी होते हैं सोशल मीडिया मिला के, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया वाले क्या है, गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होती है सोशल मीडिया के पास जाने से पहले थोड़ा पैसे वैसे देते हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया में जब वहाँ पर कोई गुफ्तगू होती है किसी एंकर पर्सन के साथ तो वो उनको पता होता है भाई इसने पैसे दिया हुआ है, ऐसा होता है माशरे के अंदर। मैं आपको कुछ चंद, अब सारे भी ऐसा नहीं है, कुछ की मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत मशहूर है, ठीक है। तो अब जब पैसे वैसे देखेंगे तो क्या कहते हैं, ऑलरेडी वो लोग क्वेश्चन वगैरह उनको पता होता है ये पूछना है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछना। अब इससे क्या होता है, लोगों की नज़रों में यार ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं, ये सारे जवाब भी दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बातें हैं बाहर, बाकी आप लोग मुझे बताए वो जो तीन मेन पिलर्स हैं ना ये अच्छे डेमोक्रेसी के, जो तीन मेन पिलर्स है वो ज़रा मुझे बताएं, हर कोई बताएंगे, ये सब गौर से देखिए मैं पूछ लूँगा, ठीक है। इक्वलिटी कहा जाता है मसावात, उर्दू में इसको बोलते हैं मसावात, ठीक है। हाँ अच्छा, अब इक्वलिटी, इस्लाम
इज द टॉर्च बेरर ऑफ इक्वेलिटी अमंग द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इस्लाम की बात करें तो इस्लाम इंसानों के दरमियान मसावात का एक टॉर्च बेरर है, अलमबरदार है। वैसे टॉर्च का मतलब रोशनी, बेरर रोशनी रखने वाले, ठीक है कि नहीं, जो रोशनी देंगे तो बाकी सब उसी के पीछे चलेंगे ना, जिस तरफ रोशनी हो उसी हिसाब से जाएंगे ना। कहीं आपने जाना है कोई आपको रोशनी करे तो आप रोशनी के तहत जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम भी अलमबरदार है किस चीज का, इंसानों के दरमियान मसावात का। यानी इस्लाम सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं मसावात का, इस्लाम में मसावात की बहुत बड़ी अहमियत है। इस्लाम रिजेक्ट ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तमाम इम्तियाजात को रिजेक्ट करते हैं इस्लाम ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जो आपके पास नस्ल की बुनियाद पर होती है। ठीक है, लैंग्वेज जुबान की बुनियाद पर होती है, कास्ट जात की बुनियाद पर, कलर की बुनियाद पर, कल्चर और वेल्थ और पॉवर्टी। ठीक है, इन बुनियाद पर जितने भी इम्तियाजात हैं उन सबको रिजेक्ट करते हैं इस्लाम। ठीक है, किसी को भी तरजीह नहीं देंगे। ये हॉली लास्ट प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एस्टेब्लिश सच ए सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम दैट रिमूव डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पॉवर, एस्टेब्लिशिंग द ऑर्डर ऑफ ज़कात। अब कहते हैं एक्यूमुलेशन, जखीरा, जमा हो जाना किसी चीज का, उसे कहा जाता है एक्यूमुलेशन। दौलत एक जगह पे जमा हो जाना, ठीक है। अब यहां पे इसका मीनिंग कैसे बनेगा, इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, यानी कुछ लोगों के हाथ में, सिर्फ चंद हाथों में दौलत का जमा हो जाना, वहां से अबोलिश को खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया। थ्रू किसके जरिए, थ्रू एस्टेब्लिशिंग द ऑर्डर ऑफ ज़कात, इस्लाम में, इस्लाम ने इसको भी खत्म कर दिया ज़कात के जरिए। ज़कात का निज़ाम कायम करके ये जो सिर्फ चंद हाथों में जो दौलत आने का जो निज़ाम था उसको इस्लाम ने खत्म कर दिया। ये हॉली लास्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द ईव ऑफ हुज्जतुल विदा। ईव का मतलब है मौका। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पे, हुज्जतुल विदा आखिरी हज, ठीक है, लास्ट पिलग्रिमेज आखिरी हज, हुज्जतुल विदा डिक्लेयर्ड इट, वाज़ी तरीके से फरमाया आपने, ऑल ह्यूमन बींग्स आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ हज़रत आदम। तमाम लोग जितने भी इंसान हैं बनी हुए इंसान, वो हज़रत आदम की औलाद है। नो अरब हैज़ एनी प्रेजिडेंट्स अवर इन नॉन अरब, कि किसी, अच्छा ये फोकियत, प्रेजिडेंट्स का मतलब फोकियत, किसी भी अरब को किसी अजम पर फोकियत हासिल नहीं, एंड वाइस वर्सा, और नहीं किसी अजम को अरब पर। सिमिलरली द वाइट हैज नो प्रेजिडेंट्स अवर द ब्लैक, किसी काले को गोरे पर, एंड वाइस वर्सा, नहीं किसी गोरे को काले पर। प्रेजिडेंट्स इन इस्लाम, अगर इस्लाम में किसी चीज़ को फोकियत दी जाती है बेस्ड ऑन सेल्फ रेस्ट्रेंट विद तक्वा की बुनियाद पर, ठीक है। तो ज़रा पूरा उर्दू वाले सुन लें कि सिर्फ चंद हाथों में दौलत के इतिकास के को ज़कात का निज़ाम कायम करके ख़त्म कर दिया गया इस्लाम ने, ठीक है। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि तमाम इंसान हजरत आदम की औलाद है, किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। इस्लाम में फोकियत और बरतरी की बुनियाद तक्वा है, ठीक है। No distinction is allowed in Islam except in case of those who observe self-restraint or taqwa. ठीक है, इस्लाम में अगर कोई तकवा अख्तियार करता है तो वही साहिब इज्जत हो, साहिब हैसियत इस्लाम की नजर, जो खुदा का खौफ रखते हैं, ठीक है। All human beings are equal before law. तमाम बनीनों इंसान कानून के सामने यकसा हैं, बराबर हैं, कानून की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं। इस्लामिक
शरीयत यानी इस्लामी शरीयत के मुताबिक कोर्ट ऑफ इस्लामिक लॉ प्रोवाइड्स लीगल जस्टिस विच मीन्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स एंजॉय प्रोटेक्शन अंडर लॉ एंड दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सीक सोशल प्रोटेक्शन। तो जिसका मतलब है कि तमाम अफराद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उन्हें इस्लामी शरीयत के मुताबिक इस्लामी शरीयत में जो बुनियादी जो इंसाफ है विच मीन्स इसका मतलब ये यानी लीगल जस्टिस मुहैया करते हैं इस्लाम, इसका मतलब ये कि दैट ऑल इंडिविजुअल एंजॉय प्रोटेक्शन, हर किसी को हक हासिल है हिफाजत की अंडर लॉ इस उसूल के मुताबिक एंड दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सीक सोशल प्रोटेक्शन, और हर किसी को हक हासिल है कि वो मसावी जो है ना मौके हासिल करे अपने आप को महफूज का अपने आप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ठीक है, उर्दू में अगर मैं इसका मतलब आपको बताऊँ तो शरीयत इस्लामी यानी ज़ाबिते क़वानीन इस्लामी कानूनी अदल और इंसाफ मुहैया करती है, जिसका मतलब ये है कि तमाम अफराद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए मसावी मौका हासिल। अब जो चीज़ कानून में आती है ना आपके पास कोई उसको छीन नहीं सकता, अगर आप छीनने की कोशिश करें तो वो कानून उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, कानूनी हिफाजत है हर किसी इस्लाम के अंदर। अच्छा कितने टाइम रह गए बता सकते हैं कोई मुझे? कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर लूँ, ये आज पूरा होना चाहिए। अच्छा आप देखें फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? फ्रेटर्निटी का मतलब है उफ़ुवत, भाईचारा, इट मीन्स ब्रदरहुड, इसका मतलब है क्या? उफ़ुवत के मानी है भाईचारा। इन वर्ड्स ऑफ होली कुरान All the believers are brothers to each other. Quran Majid के अल्फाज में मोमिन आपस में भाई भाई, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई। The principle of fraternity is an important aspect of Islamic society. इस्लामी माशरे के अंदर जो अख़ुवत उसूल है वो एक अहम पहलू है, ठीक है, भाईचारे के जो उसूल है वो एक अहम पहलू है। As brothers, they share the problems to each other. भाई होने की हैसियत से वो अपने मसाइल को एक दूसरे से पेश करते हैं, एंड देयर हैप्पीनेस आल्सो अपने खुशियों में भी शामिल होते हैं। द फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड प्रोमोट अफेक्शन, म्यूचुअल कोऑपरेशन, सेल्फलेस सर्विस एंड सेक्रीफाइस। जो एहसास है भाईचारे का जो एहसास है उससे मोहब्बत, ठीक है, का परवान चढ़ता, म्यूचुअल कोऑपरेशन बाहमी ताल्लुक, सेल्फलेस, एक होते हैं ना सेल्फिश एक होते सेल्फलेस, सेल्फिश होते खुदगर्ज, सेल्फलेस कहते हैं बेलोस, ठीक है, अपनी अपनी जात का नहीं सोचते हो दूसरों के फायदे का सोचते हो, होता है सेल्फलेस सर्विस एंड सेक्रीफाइस और कुर्बानियां। कहते हैं कि भाई भाई होने के हिसाब से वो एक दूसरे के दुख सुख और खुशी और गम में शरीक होते हैं, तो हुवत और भाईचारे का एहसास मोहब्बत और उल्फत बाहमी ताउन बेलोस खिदमत और कुर्बानी के जज्बात को उभारता है और उसको फ़रोग देता है। In this way, the society becomes peaceful and place of comfort for all. इस तरीके से जो माशरे वो तमाम लोगों के लिए पुरान और पुरसाइज बन जाते हैं। The exemplary expression of brotherhood was shown at the time of migration of Muslims from Makkah to Medina. The people of Medina not only welcomed them warmly but also made the partner in their business and assist. कहते हैं कि आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की बात हो रही है यहाँ पे, तो जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम देखना चाहें उख़ुवत और भाईचारे का एक अजीम मुज़ाहरा, एक अजीम मिसाल, तो मुसलमानों की मक्का से मदीना हिजरत के मौके पर आपको नज़र आएगा, क्योंकि जिसमें अहले मदीना ने, ठीक है, मदीने वालों को अंसार बोलते थे, मैंने आपको पहले भी कहा है, और मक्के वालों को जो हिजरत करके मदीना आए उनको मुहाजिर, अंसार और मुहाजिर आपने सुना होगा। अहले मदीना यानी अंसार ने जो न सिर्फ उन मुहाजिरों को खुश आमदीद कहा बल्कि अपनी तजारत और जायदाद में उन्हें हिस्सेदार बनाया, ठीक है, देयर बिजनेस एंड इसका मतलब है जायदाद, उनने भी उनको पार्टनर बनाया, हिस्सेदार बनाया, इन्होंने मदीने के लोगों ने, किसको? मक्के के लोगों को, ठीक है, जो मक्के से हिजरत करके आए थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ये एग्जाम्पल है भाईचारे की। और Only last Nabi sallallahu alaihi wasallam said that a Muslim is a brother to another Muslim. He does not betray him nor becomes a source of trouble for his brother Muslim. ठीक है, बेटे का मतलब उसको गुमराह करना, उसके लिए मुश्किलात खड़ी करना। ये Only last Nabi sallallahu alaihi wasallam asked the Muslim to extend love
each other by giving gifts. And a brave Muslim should not have malice towards his brother. Malice से मतलब उसके उससे कोई जो है ना अदावत रखना, ठीक है, बॉस वगैरह. And never indulge in jealousy. Islam does not allow conspiracy or even towards non-Muslim. ठीक है, यहाँ पे लफ्ज़ conspiracy का मतलब है साजिश. ठीक है, साजिश. अब देखो शुरू से सुन ले. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और अपने मुस्लिम भाई को तकलीफ पहुंचाने का जरिया नहीं बनता हो. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया कि आपस में तारीफ का तबादला किया करो, ठीक है, एक दूसरे को तारीफ दिया करो, तोहफे दिया करो, उससे मोहब्बत और उल्फत देखती है. मुख्तसर एक एक मुसलमान को अपने दूसरे मुसलमान भाई से किसी कस्म की कदूरत नहीं रखनी चाहिए. ठीक है, मलाइस का मतलब कदूरत, बोझ, अदावत नहीं रखना चाहिए. बोझ, अदावत, कदूरत, ये सारे मलाइस से रिश्ते हैं. और नहीं हसद करना चाहिए, ठीक है. नेवर इंडल्ज इन जेलसी. इस्लाम डस नॉट अलाउ कॉन्स्पिरेसी और इवन टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम. ठीक है, इस्लाम के अंदर तो ये भी है कि वो गैर मुस्लिमों के खिलाफ जो साजिश करते हैं या बुरे ख्याल रखते हैं उसकी भी इस्लाम इजाज़त नहीं देते. आखिरी जो है ना पैराग्राफ, कितने टाइम रह गए, आखिरी पैराग्राफ देखें, बस मैं कोशिश करता हूँ उसी में वो कंप्लीट करूँगा. टॉलरेंस देखें, टॉलरेंस इज ए ग्रेट वर्च्यू. टॉलरेंस क्या है, एक अजीम नेकी है. ठीक है, इट सेव्स पीपल फ्रॉम हार्डशिप्स एंड प्रोमोट्स लव फॉर अदर्स. द बेस्ट वे टू डेवलप सोशल रिलेशंस इज टू सेपरेट टॉलरेंस. टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त, समझदारी. छोटी सी एग्जांपल जल्दी देता हूँ. फर्स्ट पहले आप दो बंदे बाइक पे जा रहे हैं, थोड़ा सा टकराव हो गया तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए वरना लड़ाई हो जाएगी. ठीक है, टॉलरेंस इज सोर्स ऑफ अवॉइडिंग कंफ्लिक्ट विद अदर्स. ठीक है, झगड़े वगैरह होते हैं. डेवलप्स एटमोसफेयर ऑफ ब्रदरहुड, पीस एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी. द होली प्रॉफिट प्रीच टॉलरेंस थ्रू हिज वर्ड्स एंड डीड्स. इस्लामिक सोसाइटी अमर्स एंड प्रोटेक्ट्स ड्यू राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम. तो अच्छा, ये जो आपके पास रवादारी है, रवादारी और